नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर की पुराना हमीदा इलाके में गोली सिक्के से भरा हुआ बैग मिलने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग को कब्जे में ले लिया। हालांकि इसका वजन 30 किलो से अधिक बताया जा रहा है। पुलिस आज सुबह से ही पूरे इलाके में बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से सर्च अभियान चला रही है। मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर की पुराना हमीदा में देर शाम गोली सिक्के से भरा हुआ एक बैग मिला, जिसमें भारी मात्रा में गोली सिक्का पड़ा हुआ था। हालांकि इस बैग को बच्चे खेलते समय खींचकर गली के बीच में ले आए थे और वहीं ये बैग खुल गया, लेकिन जब लोगों ने देखा तो इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। सुबह होते ही पुलिस ने मौके पर बम निरोधक दस्ते और खेजी कुत्तों की टीम को भी बुला लिया, लेकिन जब सर्च अभियान चलाया तो तब भी टीम के साथ कई जिंदा कारतूस लगे। बैग में जो गोली सिक्का पड़ा हुआ था उसका वजन 30 से 35 किलो के करीब बताया जा रहा है, लेकिन ये बैग कहां से आया इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने हर जगह आंखों खंगाला। हालांकि पुलिस ने कश्ती की मदद से कई जगह से मिट्टी को भी खुदवाया ताकि कुछ संदेहजनक चीज हो तो उसके कब्जे में लिया जा सके। मोहल्ले के बीच में बड़ी मात्रा में गोली सिक्का मिलने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये बैग आया कहां से, जबकि ये उस जगह से मिला है जब कुछ दिन पहले ही मिट्टी की एक ट्रॉली को फेंका गया था। क्या ये बैग उसी ट्रॉली में से आया है या फिर इसे कोई लाकर यहाँ फेंक गया है, इन सब बातों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में गोली सिक्का मिलने से खुफिया तंत्र भी हरकत में आ गया है और ऐसे में पुलिस की सभी एजेंसियां आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही हैं कि ये बैग कहाँ से आया है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव ट्रॉली की रिपोर्ट। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कट्टे में सिक्के हैं, गोली के सिक्के हैं, तो मैं अपने पुलिस बल के साथ यह मौका पहुंचा था। जब मैंने यहाँ आके पता कराया, वो जो मिट्टी है ताजी गिरी हुई, इसमें एक कट्टा पड़ा था, बच्चे ने उठा के वो सड़क साइड में कर दिया और साइड में करके उसको खोल दिया, तो मौके पर देखा कि उसमें जो गोली के सिक्के हैं करीब 30-32 किलो गोली के सिक्के थे, जिनको पुलिस कब्जे में ले लिया और मौके पर सीनियर अधिकारियों को बतलाया गया। जो सीनियर अधिकारियों को आदेशानुसार एंटी सबोटाज टीम मौके पर बुलाई गई है। कल ही एरिया को पूरा एरिया सुरक्षित रखा गया था और अब इसको चेक करें कि कोई गोली सिक्का बारूद और कुछ यहाँ आसपास कोई दबा हुआ तो नहीं है, इसलिए एंटी सबोटाज टीम को बुलाया गया। सर, जैसे ही बच्चों ने उस कट्टे को खींच के ले गए तो उसमें से कुछ सिक्के निकल गए जो आसपास से बरामद हुए, 5-4 सिक्के। अभी वो मिट्टी के ऊपर पड़ा था कट्टा, इसकी जाँच कर रहे हैं, मिट्टी किसने गिरी है, ये कहाँ से आए हैं, इसकी जाँच का विषय है, जाँच करेंगे, जैसी मुनासिब कार्रवाई होगी मामले में ले जाएगी। हाँ, खुद प्रबंधक थाना है हमारा और DSP साहब हैं जो जाँच में लगे हुए हैं, मौका पर सभी अधिकारी मौका पर आए थे, CIA 1 CIA 2 के अधिकारी भी मौका पर थे। सर जी, ये साथ ही मिट्टी पड़ी है यहाँ पे जिसके अंदर से गोली सिक्का मिला है, तो पुलिस ने वो अपने कब्जे में ले लिया, मगर उसके साथ साथ जो साथ वाला हमारा इलाका है, यहाँ के लोग सारे दहशत में है, भाई ये कहाँ से आया, कौन इसे यहाँ पर डाल गया। 35 किलो के करीब होगा जी, कट्टे में था जी, ऐसे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे मिट्टी में जी, तो बच्चों ने देखा, तो देख के फिर जब एक दो बड़े भी इकट्ठे हो गए देखा, तो पुलिस को तलाश दी, पुलिस ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।